नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का ये जो ब्लॉग है ये मेरा, मैं बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक दिन में 2 या 3 वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जानकारी जितना मिले उतना अच्छा। ये एक बड़ा छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो का शीर्षक है पायरोजेनम एंड फीवर। कल मेरे पास एक्चुअली, अभी मैं आप जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं भोपाल से बिलोंग कर रहा हूँ और भोपाल के अंदर अभी राइट नाउ देयर इज द एपिडेमिक ऑफ द फीवर। यहाँ पे डेंगू फैला है, डेंगू के साथ कई और फीवर, टाइफाइड फैला हुआ है और तमाम बीमारियां फैली हुई हैं, खासकर फीवर से एसोसिएटेड बीमारियां, जिसके कारण हॉस्पिटल्स फुल चल रहे हैं। हमारी क्लिनिक्स के ऊपर भी हमको बहुत ज्यादा इसके अंदर बिजी रखा हुआ है। तो मैं एक छोटी सी वीडियो बनाना चाहता था। ये छोटी सी वीडियो बहुत ज्यादा काम की है अगर आप लोग इसको समझ लें तो। इसका शीर्षक है पायरोजिनम एंड फीवर। दोस्तों, कल मेरे पास एक पेशेंट आए, उनसे मैंने जो स्टेटमेंट उनसे मिला कि सर, वो हमने तो अपने पेशेंट को एडमिट करना पड़ा क्योंकि उनका जो फीवर है वो टूट ही नहीं रहा था, वो फीवर जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो जो टेम्परेचर है उसका, वो 105 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा रहा था और दैट फीवर वॉज एसोसिएटेड विद द सीवियर चिल एंड बॉडी एक एंड हेड एक। तो नो डाउट आप सभी लोग इसके अंदर ये समझ रहे हैं कि यार भाई, ये आदमी पायरोजिनम के बारे में क्यों बात कर रहा है, जबकि इसको तो यूपेटोरियम एंड जेल्सिमियम के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि जो फीवर का पिक्चर है दैट इज एग्जैक्टली सुपर इम्पोजिंग ऑन द यूपेटोरियम एंड जेल्सिमियम। बट यहाँ पर दोस्तों बात इतनी सिंपल भी नहीं है। मेरा ये मानना है यूपेटोरियम और जेल्सिमियम तो सबको पता है, आजकल सोशल मीडिया पे भी, जहाँ पे भी डेंगू का आउटब्रेक है वहां पे भी हम ये अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ये दवाइयां हम देख रहे हैं बड़े फ्रिक्वेंटली, कि लोग जो है इसको एज अ प्रोफाइलेक्टिक भी लेने लग गए हैं, जबकि देयर इज नो प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन ऑफ डेंगू, दिस इज द ट्रूथ। पर अब दे रहे हैं लोग, दे रहे हैं मेडिकल स्टोर वाले, होम्योपैथी वाले, उनने बड़ा सा बैनर टांग लिया है कि वी आर प्रोवाइडिंग द प्रोफाइलेक्टिव ऑफ द डेंगू और उसके नाम पे ये यूपेटोरियम जेल्सिमियम दे रहे हैं। ठीक है, उस बहस में नहीं पड़ते हैं। अब मेरा सवाल है, क्या वो लोग सही हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि जो वर्नेबिलिटी ऑफ द डिजीज है वो बहुत डेप्थ में है। जैसा कि मैंने अपना माइजमेटिक शेल के बारे में एक वीडियो के बारे में बात करी थी, उसका मैं कार्ड इसके ऊपर दे दूंगा, केस टेकिंग के बारे में जो मैंने करा था उसके अंदर मैंने बताया था कि बीमारी एक शैल में बंधी हुई रहती है, बीमारी के ऊपर एक शैल होता है, वो या तो मैंने दो प्रकार के बताए थे, या तो वो माइजमेटिक हो सकता है, या कॉन्स्टिट्यूशनल से शैल हो सकता है, या तो ओसोटिकल से शैल हो सकता है। तो अब यहाँ पे ये समझिए कि जब भी किसी बंदे को 105 106 डिग्री फ़ारेनहाइट का फीवर है एंड दैट फीवर इज एसोसिएटेड विद द चिल, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या बताता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अपने पीक पे है, क्योंकि एंटीबॉडीज क्यों सहमत उठा रही हैं इतना ज्यादा रिएक्शन देने की, क्योंकि भाई ब्लड स्ट्रीम में उस हिसाब से उसको इन्फेक्शन है, इसलिए इसका टेम्परेचर जो है 104 103 को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। और दूसरा जो चिल है, दैट इज द इन एवरी केस ऑफ द फीवर द चिल इज साइन ऑफ सेप्टिसेमिया। अभी एक बहुत बड़ी भ्रांति मेडिकल फील्ड में बैठी है जो कि एलोपैथों के बीच में भी है और होम्योपैथों के बीच में भी है और आरएमपी सर प्रैक्टिशनर के बीच में है, कि इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आती, इनको जब भी चिल दिखती है वो दे गो फॉर द पीएस फॉर एमपी, मलेरियल पैरासाइट ढूंढने लगते हैं ब्लड में, जबकि मलेरियल पैरासाइट तो आपने, आप अगर प्रैक्टिशनर है मैं आपसे सवाल करता हूँ, और अगर आप मेरे एक आम व्यूअर हैं मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपके परिवार में लोगों को बीमारियां हुई, आपके घर में आपके बच्चों का कितनी बार पीएस फॉर एमपी पॉजिटिव निकला, ये मेरा सबसे बड़ा पूरी मेडिकल फिटर्निटी और आबादी से सवाल है। हाउ मेनी टाइम यू हैव सीन यूर प्रैक्टिस दैट पीएस फॉर एमपी इज पॉजिटिव? मैंने नहीं देखा आज तक, एक दो बार देखा होगा तो मुझे पता नहीं, पर आज तक पीएस फॉर एमपी हमेशा नेगेटिव आता है। और जब भी पेशेंट को ठंड लगती है आपके दिमाग में एक ही कीड़ा पैदा होता है, अरे मलेरिया होगा। भाई मेरे, मलेरिया क्या अकेली बीमारी है जिसके अंदर फीवर विद चिल होगा? नहीं। तो चिल इज द नॉट साइन ऑफ मलेरिया, द चिल कैन हैपन इन एनी फीवर इन विच देयर इज द सीवियर सेप्टिसेमिया, सेप्टिक इन्फेक्शन इन द ब्लड। वो कोई भी फीवर हो सकता है जिसके अंदर सेप्टिसेमिया होगा उसके अंदर चिल आएगी, एंड द चिल इज नॉट होली एंड सोली एट्रीब्यूटेड टू द मलेरिया ओनली।
मतलब कहने का है मलेरिया होगा, अगर सेप्टिक इन्फेक्शन ज्यादा है तो भी पेशेंट को चिल दे के हाई ग्रेड फीवर आएगा, अगर उसको टाइफॉइड है तो भी उसको चिल दे के हाई ग्रेड फीवर आएगा, अगर उसको डेंगू है तो भी उसको चिल दे के हाई ग्रेड फीवर आएगा, अगर उसको कोई वायरल इन्फेक्शन है विच इज नॉट एबल टू बी डिटेक्टेड इन द ब्लड तो भी उसको ठंड दे के चिल दे के फीवर आएगा। तो जो चिल है ना, दैट इज द साइन ऑफ सेप्टिसेमिया रादर देन द मलेरिया। और अगर कोई भी सेप्टिक इन्फेक्शन जरूरत से ज्यादा ब्लड के अंदर है, एक एग्जांपल देता हूँ, विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द फीवर, परपेरल फीवर जो होता है जिसके अंदर जो नली पेरा, जो महिलाएं जिनने अभी अभी डिलीवरी बच्चे की है उनके अंदर उनका लोचिया सप्रेस होने के कारण दे वेंट इन टू द सॉर्ट ऑफ फीवर जिसको बोलते हैं परपेरल फीवर ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ लोचिया। पागलों जैसी ठंड लगती है उसके अंदर और बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है। तो भाई क्या इसको मलेरिया का, इसका क्या मलेरिया का एग्जामिनेशन करोगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि शी हैड यस्टरडे शी हैड डिलीवर्ड अ बेबी और इसका लोचिया सप्रेस हुआ होगा तो इसको परपेरल फीवर है। आप आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे पायरोजिनम अपन क्यों बात कर रहे हैं कि पायरोजिनम एंड फीवर, पायरोजिनम इज द मेन नोसॉर्ट फॉर द सेक ऑफ एनी सेप्टिसेमिक फीवर। कोई भी अगर सेप्टिसेमिक फीवर है, ये पायरोजिनम का ड्रग पिक्चर बोरिक के अंदर या फिर एलेंस की नोट में पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि वेन एवर द फीवर इज अबव 103 एंड 104 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड दैट इज अप एसोसिएटेड विद द इंटेंस चिल, ऑल्सो देयर विल बी द सॉर्ट ऑफ फेटर फ्रॉम द बॉडी विच ऑल थ्री इन द कंजंक्शन डिग्निफाइज एंड रिप्रेजेंट्स दैट द पेशेंट इज इन द इंटेंस सेप्टिसेमिक कंडीशन। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये यहाँ पे क्या है, ये भाई पायरोजिनम आपने दो डोज दिया उसको 200 का, उसका पूरा बीमारी का शेल टूट के रह जाएगा और उसके बाद आप जो है वो उसके अंदर राजा बन जाएंगे, आप जो चाहेंगे उसके बाद वही होगा, आप जो मेडिसिन देंगे आप ऑब्वियसली आप तो वेल इंडिकेटेड मेडिसिन दोगे। तो जो पहले वेल इंडिकेटेड मेडिसिन फीवर के अंदर फीवर को तोड़ नहीं पा रही थी, फीवर के साइकिल को ब्रेक नहीं कर पा रही थी, वो पायरोजिनम देने के बाद वो काम करने लगेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो टाइफॉइडिनम है जो कि टाइफॉइड से बड़ा नोसोड है, टाइफॉइड से बना हुआ नोसोड है ना टाइफॉइडिनम, तो उसका भी उसके और इसमें क्या फर्क है? उसका ये फर्क है कि कई बार जब ज्यादा सेप्टिसीमिया है सेल्मोनेला टाइफी का तब भी टाइफॉइडिनम भी नहीं काम करेगी। बाप्टिसिया के काम करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बाप्टिसिया को कुछ करना ही नहीं है उस केस में। फिर आपका दिमाग आप चलाओगे, आप बोलोगे यार टाइफोडिनम दे देता हूँ, फिर आपका टाइफोडिनम भी फेल हो गया। दैट इज वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन कंजंक्शन ऑफ पायरोजिनम विथ फीवर, कि अगर ऐसा फीवर है, मेनिनजाइटिस है, हाईली सेप्टिसेमिया है, सेप्टिक कंडीशन है, आप पायरोजिनम दे दीजिए क्योंकि वहां पे पायरोजिनम इंडिकेटेड है। बेसिकली जब तक आप इंडिकेटेड मेडिसिन नहीं दोगे तब तक, क्योंकि उसको 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का फीवर है और चिल के साथ और सेप्टिक कंडीशन है, तो ये सेप्टिक फैक्टर को जब तक हम नहीं संभालेंगे तब तक उसका माइजमेटिक शेल, उसका जो नोसोट का जो शेल है बीमारी के अगल बगल, जो इंटरकरेंट मेडिसिन यहाँ पे है हमारी पायरोजिनम, वो पायरोजिनम से ही इसका फीवर और फीवर का पूरा साइकिल टूटेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बार बार देखिए, पूरा देखिए, आपको इस वीडियो के हर एक पड़ाव के ऊपर ये समझ में आएगा कि पायरोजिनम एक फीवर के केस के अंदर एक ऐसी मेडिसिन है दैट शुड बी ऑलवेज केप्ट इन माइंड। क्योंकि हम लोग ये सुनते हैं फीवर में, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बताते हैं, जूनियर्स बताते हैं, जो दूसरे डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब फीवर मेंटेन नहीं हो पाता, फीवर नहीं संभाल पाते, फीवर को होम्योपैथी में टैकल करना उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए लगता है कि आपको इस तरह की मेडिसिंस को लाना पड़ेगा, इस तरह की मेडिसिंस को फीवर के अंदर देना पड़ेगा। तो टाइफाइड में भी कई बार पायरोजिनम लगती है अपर मोस्ट लेवल पे, उसका जो है वो सेप्टिक शेल टूट ही नहीं रहा है, आपका टाइफाइडिनम भी काम नहीं कर रहा, आपने पायरोजिनम देंगे, पायरोजिनम देने के बाद, और ये आप लोग इसका तजुर्बा करिए अपने केसेस के अंदर, इसका तजुर्बा करिए और उसके बाद मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि ये तरीका कारगर सिद्ध हुआ या नहीं। आप यू विल सी द रिमार्केबल एंड ड्रास्टिक चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स इन द केस ऑफ फीवर आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पायरोजिनम, बिकॉज पायरोजिनम बेसिकली पायोजेनिक बैक्टीरिया के सिक्रीशन से बनाई जाती है, उसके अंदर जो है सबसे बुरे बैक्टीरिया जो रहते हैं
उसके सिक्रीशन से इस नोसोर को तैयार करा गया है और इसका बेसिक काम सेप्टिसेमिया को कंट्रोल करना है। पायरोजिनम कैन बी गिवन इन एनी टाइप ऑफ सेप्टिसेमिया, जब लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं और या फिर जब लोगों के ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन में कई बार जो ऑपरेटिंग साइट के ऊपर पस पड़ गया उसको सेप्सिस हो गई, अब उसको ठंड दे के बुखार आ रहा है, तो क्या मलेरिया नापोगे उसका? मलेरिया पीएस पर एमपी करोगे? नहीं करोगे ना। आप यहाँ पे जानते हो कि भाई ये जो है ये सेप्टिक कंडीशन हो गई है, कि कहीं ना कहीं उसका जो ऑपरेशन हुआ था उसके बाद उसको पोस्ट ऑपरेटिव सेप्सिस का केस है। तो इन एनी टाइप ऑफ सेप्सिस पायरोजिनम इज द चीफ इंडिकेटेड मेडिसिन। आप पायरोजिनम देंगे, सेप्सिस का शेल टूटेगा। पायरोजिनम बहुत जगह काम आ सकती है, अनटोल्ड नंबर ऑफ प्लेसेस के ऊपर। हम मलेरिया में दे सकते हैं, टाइफाइड में दे सकते हैं, डेंगू में दे सकते हैं, चिकनगुनिया में दे सकते हैं, परपेरल फीवर में दे सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में दे सकते हैं, मेनिनजाइटिस में दे सकते हैं, बट ओनली व्हेन देयर आर इंडिकेटेड सिम्टम ऑफ पायरोजिनम। यू शुड नॉट एडमिनिस्टर द पायरोजिनम अनलेस एंड अल्टिल इट इज इंडिकेटेड बाय द सिम्टम। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि ये तरीका आपके काम आया है कि नहीं आया। नमस्कार।